रोता चीखता ये शख्स अस्पताल में पत्नी के शव को ढूंढता, ये शख्स बेटे की मौत पर आंसू बहाता, ये शख्स गोद में मरी हुई बेटी के शव को बार बार निहारता, ये शख्स गाजा का मामूली आदमी नहीं है, बल्कि गाजा में तैनात अल जजीरा टीवी का रिपोर्टर है। इस रिपोर्टर का नाम है वाइल अल दैदो, जो अपने परिवार की मौत पर बिलख रहा है और कह रहा है कि मैं अब किसके सहारे जीऊंगा। बीती रात इजरायली हमले में इनका पूरा परिवार खत्म हो गया। जब इनको खबर मिली तब वो हमलों में मारे गए लोगों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। अल जजीरा के रिपोर्टर ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिन हाथों से अपनी बेटी को बड़े दुलार से पाला था, आज उन्हीं हाथों से अपनी बेटी को कंधा देना पड़ेगा। इन तस्वीरों को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। वाइल अल दहदो अपनी मरी हुई बेटी को गोद में लिए हुए है और वो बार बार उसके शव को पुचकार रहे हैं, शायद उनकी बेटी जाग जाए और उनसे लिपट कर बोले, पापा आपकी परी मरी नहीं। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि पापा की परी अब नहीं उठेगी। उत्तरी गाजा में बीती रात इजराइल ने हवाई हमला किया था, जिसमें अल जजीरा के रिपोर्टर की पत्नी, बेटा और बेटी सभी मारे गए। रिपोर्टर की ये हालत बताती है कि जंग की रिपोर्टिंग करते करते उन्होंने अपने परिवार को ही खो दिया। हमास से छिड़ी जंग में इजरायली हमलों के चलते गाजा में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं।